सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज जो बिजनेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो बिजनेस का नाम है सेलो टेप। आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को ये कहा जाता होगा कि आप सेलो टेप की बिजनेस बड़ी आसानी और बहुत अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं, लेकिन सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि सेलो टेप की मशीन जो आप खरीदते हो मैन्युफैक्चरिंग बोलकर, वो एक्चुअल में वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है ही नहीं। जो मशीन ये जैसे कि आप इस वीडियो पर देख पा रहे हो, ये मशीन आपको मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे सेल कर दिया जाता है और बदले में इसको आप क्या करते हैं कि कटिंग करते हैं, आप अलग अलग साइज़ पे कटिंग करके आप मार्केट पे सेल करते हो। लेकिन वो प्रॉफिट काफ़ी अलग प्रॉफिट होती है जो रियल में सेलो टेप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो रियल में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है कि गोंद का एक कोटिंग लगता है प्लास्टिक पे, उसके बाद वो बड़ा सा एक रोल बनता है, उसी से आप लोग रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो रॉ मटेरियल आपको वो प्रोवाइड करते हैं अपना, ताकि आप उसे कटिंग करें अलग अलग साइज़ पे और अपनी मार्केट पे सेल करें। लेकिन बात करते हैं अगर सेलिंग की, तो सेलिंग जब तक आपकी मार्केट वहाँ पर बनी नहीं रहती तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस सेलो टेप में। तो सेलो टेप की जो कटिंग मशीन आती है, आपको अलग अलग साइज़ के अलग अलग क्वालिटी के आपको बहुत सारे मशीन मिल जाती है मार्केट में। और एक्चुअल में वो क्या होता है कि वो मशीन को सेल करवाने के लिए ही आपको बोला जाता है कि वही मैन्युफैक्चरिंग सेलो टेप मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, बट रियलिटी कुछ अलग है। तो दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, दिक्कत जब आप वो मशीन ले लेते हो और जब आप कटिंग करके अलग अलग साइज़ के 2 इंची 4 इंची 5 इंची जब आप अलग अलग साइज़ पे उसे रेडी करके मार्केट में सेल करने जाते हो, तो मार्केट में आपको वैसा प्रॉफिट वाला पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि आप उस रेट पे बेच नहीं सकते हो। क्यों नहीं बेच सकते हो? जिसके पास में ज़्यादा बड़ा सेटअप है, जिसके पास में कोटिंग होती है प्लास्टिक में कोटिंग करके, वही रोल बनाकर वही कट करके अगर सेल करता है तो उसमें रियली में कुछ प्रॉफिट बचते हैं। लेकिन जो कटिंग होती है उस कटिंग में काफ़ी फ़ायदेमंद नहीं होती है। मेरा एक दोस्त है जो ये बिजनेस कर रहा है एक्चुअल में, तो उसे कुछ प्रॉफिट नज़र नहीं आ रही है क्योंकि उसके पास में कोई मार्केट बेस नहीं है। उसको लगा कि बहुत ईजी है और ये बिजनेस सबसे आसान है उसके लिए, तो उसने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में वो अब जो मुझे कह रहा है कि वो इस बिजनेस को वो ड्रॉप अप करने वाला है, यानी कि ये टोटली ये बिजनेस को वो बंद करने वाला है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स या बहुत सारे मतलब वो मशीन खरीद के बैठे हुए हैं, कटिंग कर रहे हैं और मार्केट पर सेल कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से कॉस्टिंग बैठता है उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग नहीं बैठ पा रही है और वो फ़ायदा नहीं कमा पा रहा है। तो सीधा सीधी बात यही है कि ये बिजनेस टोटल लॉस का बिजनेस होता है। मेन प्रॉफिट आपका वही कमाता है जो स्टार्ट टू एंड उसको ख़त्म करता है कटिंग करने के बाद, यानी कि स्टार्ट करता है एक पन्नी खरीद कर, उस पर कोटिंग करता है, उसकी मशीन सेटअप कुछ अलग होती है, और उसके बाद में वो खुद अपने पास में ही कट करके अलग अलग साइज़ पे वो काफ़ी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी पे कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है। ऐसे करके ये बिजनेस चलता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये सब चीज़ों में फंस जाते हैं और उनको काफ़ी नुकसान भोगना पड़ता है। वो 40-50 हज़ार की कटर मशीन खरीद के वो किसी और को 20 हज़ार में, 25 हज़ार या उससे भी कम दामों में बेच के वो अपना बिजनेस को ख़त्म कर लेते हैं। तो एक तो उनका टाइम गया, उनका लॉस गया, फिर इतना दिन, मतलब टाइम भी एक कीमती चीज़ होती है। अगर उस टाइम पे आप सही चीज़ करते हो तो आपके लिए वो बेस्ट होता है और आगे आप किसी और बिजनेस पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करूंगा, जो मशीन आप मैन्युफैक्चरिंग बोलकर खरीदते हो सेलो टेप की, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। जहाँ से आप रॉ मटेरियल लाते हैं वो उन लोग भी देखेंगे, उन लोग भी कट करके वो अपने मार्केट में सेल करते हैं। बस रॉ मटेरियल वो इतनी क्वांटिटी में बनाते हैं ताकि वो किसी और को उल्लू बना के रॉ मटेरियल देके सेलो टेप की बिजनेस के नाम पर आपसे अपना रॉ मटेरियल सेल करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ चुकी होगी मेरी ये थोड़ी बात। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नई वीडियो में लाता रहूँगा। तब मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।